एक्सट्रीम 160R। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये वाइजर इंस्टॉल किया गया, पोर्शन है इसका डिजाइनिंग हमें यहाँ पर चाहिए, नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ से हटा भी सकते हैं इसको, अपने हाथ को डैमेज ना करें। इसीलिए ये जो पार्ट होता है ना, ये प्लास्टिक का, ये मेन सेफ्टी होती है वो होती है ये जो करती है, ये क्लैंप्स आ गए, इसकी रॉड आ गए, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। और इस तरफ भी देखने को मिल रहा है मिरर। इसके अलावा यहाँ पर हैंड ग्रिप भी, कोई बाइक हो सकती है, सबके बन जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं होस्ट आपका दोस्त लिया आपके लिए कोई ना टॉपिक, एक ना वीडियो। मेरा नाम सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में जो मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूं वो है हीरो एक्सट्रीम 160R। और इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है, इससे पहले भी कई सारी एक्सट्रीम पर वीडियो है, अगर आप वो मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें आज ऐड की गई हैं, फर्स्ट ऑफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया, और ये क्रैश गार्ड सिर्फ और सिर्फ आपको SKD पर ही मिलेगा, क्योंकि ये क्रैश गार्ड अगर आप बनवाओगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा और हो सकता है आपको एक दो दिन के लिए बाइक भी छोड़नी पड़े, बट यहाँ पर उसी दिन सेम डे आपको क्रैश गार्ड जो है मिल जाता है। इसके अलावा इसमें वाइजर है, और वाइजर जो है वो नॉर्मल वाइजर नहीं है, ये वाइजर एक्चुअल में FZ का वाइजर है, लेकिन इस पर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये वाइजर हमने अपाची पे और आपकी जो है इसके अलावा एंटॉर्क पर, राइडर पर काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसमें हैंड ग्रिप हो गए, बाग बस्टर की ओरिजिनल हैंड गार्ड, जिसको लगाने के बाद बाइक का लुक तो बदल ही जाता है, सेफ्टी भी रहती है आपके क्लच और आपके लीवर्स की। इसके अलावा इसमें टायर है, काफ़ी सारी इसमें एक्सट्रीज आपको और भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारी इसमें वैरायटी भी है। तो इसी पर सारा वीडियो है, बाकी काफ़ी सारी वीडियो और भी हैं एक्सट्रीम की, सो चेकआउट कर लेना। और इस तरीके का क्रैश गार्ड ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सट्रीम हो, आपके पास कोई भी बाइक हो सबके बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार की वजह से ही 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सट्रीम 160R, और इसको किया गया है मॉडिफाइड बिल्कुल अलग तरीके से। और इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर, बट वो कलर अलग था और मॉडिफिकेशन भी ऑब्वियसली अलग ही थी। तो फर्स्ट ऑफ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये वाइजर इंस्टॉल किया गया, ये वाइजर सिंपल आता है, और ये जो डिज़ाइनिंग है ये काफ़ी लोगों को अच्छी लगने वाली है, काफ़ी लोगों को नहीं लगने वाली, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। कस्टमर की चॉइस थी कि ये वाला डिज़ाइन हमें वाइजर पर और यहाँ पर हैंड गार्ड पर भी चाहिए, और जो रेड कलर वाला पोर्शन है इसका डिजाइनिंग हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये क्या कैसा लग रहा है, बाकी अगर नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है, प्रिंट नहीं है, रैपिंग है। रैपिंग का यही फायदा होता है कि जब आप चाहो उसको रख सकते हो, जब आप चाहो उसको हटा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका वाइजर और उसकी डिजाइनिंग, ये देखो। नेक्स्ट ऑफ मॉडिफिकेशन है बाग बस्टर के हैंड गार्ड, जो कि फुल्ली मेटल में है, और ये वाला पार्ट जो है ये प्लास्टिक का आता है, लेकिन ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक है, इसको आप बिल्कुल खड़े हो जाओगे ना इस पर तो टूटेगा नहीं। और ये मेटल का इसलिए नहीं आता है कि कभी इन केस जैसे बाइक गिरती है तो ये जो मेटल के होंगे तो ये मुड़कर अपनी फिंगर को या अपने हाथ को डैमेज ना करें, इसीलिए ये जो पार्ट होता है ना ये प्लास्टिक का ही आपको हर बाइक में मिलेगा, चाहे वो कितने भी महंगे हैंडगार्ड क्यों ना हो। लेकिन जो मेन सेफ्टी होती है वो होती है ये जो क्लैंप्स इस जगह पर, ये रॉड जो होती है ये जो करती है, ये क्लैंप्स आ गए, इसकी रॉड आ गई, तो ये मेटल की होती है, क्योंकि जब बाइक गिरती है ना तो क्लच और लीवर टूटे ना, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से है लुक, ये वाला आ रहा है। बाकी डिज़ाइनिंग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हो आप, ये जो है ना हैंड गार्ड काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ये विदाउट लाइट वाले हैं लेकिन हैवी हैं, आप चाहो तो लाइट वाले भी ले सकते हो। और इसमें कलरिंग भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ये देखो। इसको ब्लैक इसलिए लिया गया क्योंकि ये ब्लैक और ये इस जगह से हो रहा है मैच, अगर पूरा रेड कर देते तो वो ज़्यादा रेड हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको मिरर लगा रखें जिसमें आपको ड्यूल साइड इंडिकेटर मिलेगा, और ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ इग्निशन ऑन करके, और नॉर्मल अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इस तरफ भी इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है और इस तरफ भी देखने को मिल रहा है, ये देखो। और साथ ही उसमें हजार्ड लगा रखा है जिसके जो है चारों इंडिकेटर आपके से चलते हैं, तो जी ये देख सकते हो आप। तो ये हो गया इसका हजार्ड एक्टिवेट, और हजार्ड पर कुछ ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। देखो अभी शॉप पर लाइटें वगैरह चल रही है, बाकी जब आप नाइट में इसको यूज़ करोगे ना तो इसका फोकस काफ़ी अच्छा है, सामने वाला राइडर और पीछे वाला राइडर को पता चल सकता है कि इस तरीके से कुछ यूनिक सा जो है इंडिकेटर बाइक ने दे रखा है, और काफ़ी अच्छा लगता है और यूनिवर्सल है, किसी बाइक में किसी भी स्कूटी में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो कवर कर दिए मैंने वाइजर, हैंडगार्ड और आपके जो है मिरर। इसके अलावा यहाँ पर हैंड ग्रिप भी चेंज है जो काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो आप। डिज़ाइनिंग भी कहीं ना कहीं इसका अच्छा है, बाकी आप चाहो तो कलरफुल भी लगा सकते हो। हैजार्ड का स्विच यहाँ पर है। अब बात करूँगा इसकी मैं उस मॉडिफिकेशन की जो काफ़ी रेयर है और अभी तक आपको शायद हमारे ही चैनल पर देखने को मिली होगी, और ऐसा मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता, बाकी यह है कि काफ़ी लोग जो है वो यही बताते हैं कि सर्च करा था बट हमें यूट्यूब पर कुछ दिखा नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है क्रैश गार्ड, और क्रैश गार्ड की फिटिंग आप देख सकते हो, और इस तरीके का क्रैश गार्ड आप किसी बाइक का बनवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सट्रीम हो, आपके पास कोई बाइक हो सकती है, सबके बन जाएंगे। डिजाइनिंग देखो, और इस क्रैश गार्ड का मैं आपको बेनिफिट तो बताऊंगा ही, पहले आप ये देखो कि बाहर कितना निकल रहा है, देखो बिल्कुल जी ज़्यादा बाहर नहीं है, अगर टैंक के हिसाब से आप देखोगे तो परफेक्ट है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लो कि एक बाइक गिरती है ना तो आपका टैंक और आपका इंजन जो है ये प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, और किसी भी तरीके की इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है। बाकी लॉन्ग राइड के समय में आप कुछ इस तरीके से पैर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड करते हो तो ये हो गया।
और सेम फिटिंग इस तरफ से भी है। ये देखो उसकी फिटिंग, तो ये देख सकते हो, तो ये देख सकते हो आप, सेम उधर से भी है सेम इधर से भी। इसमें दो स्लाइडर आपको मिल जाते हैं कभी इनकेस बाइक गिरेगा, वैसे वैसा ना हो कि बाइक गिरे क्रैश हो, ताकि ये उसी की सेफ्टी के लिए होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया क्रैश गार्ड, बाकी आप चाहो इसका सैडल स्ट्रेट टॉपर है सब कुछ यहाँ पर बनवा सकते हो, जिन लोगों को टूरिंग वगैरह करनी हो उन लोगों के लिए। इसमें लेमिनेशन का भी वर्क किया गया है, साथ ही इसमें टायर हैगर लगाया गया है, जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर टायर हैगर यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा लगेगा नहीं आपने बाहर से करा रखा है। और बैक साइड से ये वाला लुक आ गया, सीट कवर भी इसका चेंज है। इसके अलावा इसकी जो आईज है यहाँ पर रैपिंग करा रखी है, जो काफ़ी डेविल लुक आ रहा है यहाँ से अगर आप देखोगे तो। बाकी आप चाहो तो इसके कलर भी चेंज करा सकते हो, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप रिमोट कंट्रोल से चेंज कर सकते हो, या काफ़ी सारे ऑप्शन है वो आप मेरी और वीडियो देखोगे, जैसे कि राइडर वगैरह की एमटी की, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर फोर्क स्लाइडर इंस्टॉल किए गए और इसको जो है गोल्डन कलर का टच, यहाँ पर रैपिंग तो यहाँ से मैच कर दिया। इसका बेसिकली यूज़ होता है इनकेस बाइक गिरती तो डिस्क वगैरह हो गया, सस्पेंशन वगैरह सेफ रहते हैं और लुक एक नंबर आता है यहाँ से। अगर इस पर खड़े हो जाओगे तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में फोर्क स्लाइडर है, लोकल वाले नहीं है, हैवी वाले ओरिजिनल कलर काफी सारे मिल जाएंगे इसमें। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप इस तरीके के काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट अपनी शॉप पर, जो कि SKD के नाम से। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, लोकेशन डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो करोल बाग नए वाला मार्केट में डायरेक्ट अपनी शॉप पर आ सकते हो। तो ये था आज की वीडियो, मिले तो आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।